लास्ट की वी आर टू बिगिन विद किर्चॉफ्स लूप रूल एंड बिटे जंक्शन रूल और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमने आज डिटेल में बात करनी थी एंड आई होप कि आप लोग पढ़ के भी आए होंगे बेटा. तो लेट अस कंटिन्यू विद बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट बेटा. डियर चिल्ड्रन और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एज सच इसको बोल दिया करते हो. इस चैप्टर में हमने स्पेशली आज का डे हमारा बेटे जो आपके किर्चॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है इन पे हमने कंसंट्रेट करना था. किर्चॉफ्स किर्चॉफ्स जंक्शन रूल बेटा एंड वी वर टू आल्सो हैव किर्चॉफ्स लूप रूल बेटा. लूप रूल बेटे आइए इनको वन बाय वन बेटे अप्लाई करें और देखें कि हम किस तरीके से हमारा जो डिस्कशन है रिगार्डिंग द डिफरेंट लॉज बेटा इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. अगर हम बेटे जंक्शन रूल की बात करें तो इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. इसमें डायरेक्टली हम कह देते हैं कि जो किसी भी केस में नेट चार्ज फ्लोइंग है दैट इज बेटा इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज एंटरिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज लीविंग. और ये आपका डायरेक्टली बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है इस पे बेटा ये बेस्ड है. सेकंड इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हमारी डिस्कशन करने वाली है वो ये है बेटा कि अगर आप एक जंक्शन कंसीडर कर लें जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस से करंट एंटर कर रहा है और वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट ब्रांचेस में करंट उस जंक्शन को छोड़ के जा भी रहा है देन वी से दैट बेटा टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन बेटा. मैं थोड़ा सा प्लॉट करूंगा डायग्राम बनाकर यहाँ पे देखते हैं. ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक पॉइंट है. इस पॉइंट पे आपकी डिफरेंट बेटे जो वायर्स हैं अटैच करके आपको दिखाई गई हैं. आई वन करंट एंटर कर रहा है एंड आई टू करंट लेट अस से दैट ये लीव करके जा रहा है. आई थ्री इज अगेन एंटरिंग. आई फोर इट इज लीविंग अवे एंड आई फाइव इज एंटरिंग टूवर्ड्स द पॉइंट ओ. तो जितने भी करंट्स बेटे एंटर कर रहे हैं हम इनको एंटरिंग करंट्स को बेटा पॉजिटिव साइन दे देते हैं और जो करंट लीव करके जा रहे हैं इनको हम नेगेटिव साइन दे देते हैं. और इन सिंपल वर्ड्स हम अगर इनको बेटे अलॉन्ग विद द साइन एड भी कर लें आई वन प्लस लेट इट बी माइनस आई टू ये जा रहा है दैट इज वाई बेटे माइनस साइन और ये करंट आपका एंटर कर रहा है पॉजिटिव साइन. दिस करंट इज बेटा लीविंग एंड इट्स नेगेटिव साइन. अगेन इट इज एंटरिंग दैट्स वाई पॉजिटिव साइन बेटा. सो आप इसको अगर इलेबोरेट कर लें इट विल बी आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई फोर प्लस आई फाइव इज इक्वल टू जीरो बेटा. जितने करंट्स एंटर कर रहे हैं उतने लीव कर रहे हैं. आप इसको यहाँ तो ऐसे कह दीजिए समेशन आई इज इक्वल टू जीरो या आप कह सकते हो कि आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव इज आई टू प्लस आई फोर. आप इन दोनों तरीकों में से जैसे मर्जी इस चीज को बेटे एडजस्ट करके शो कर सकते हो. सो इन दिस वे बेटा आपका जो किर्चॉफ्स जंक्शन रूल है बेसिकली ये आपको करंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स में या कंडक्टर्स में आपको कैसे करनी है उस डिस्ट्रीब्यूशन में काफी हेल्पफुल होता है. बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग ए नंबर ऑफ कंडक्टर्स और द रेजिस्टर्स अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट
then we will have to distribute the currents according to the junction rule, keeping this rule in mind. Then with our dear children, let's come up to the case of the Kirchhoff's loop rule or second rule. हम किस तरीके से बेटा इसको अप्लाई करेंगे. ये रूल थोड़ा सा बेटा जो है इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसकी एप्लीकेशंस बेटे बहुत हैं. सो किर्चॉफ्स अगर आप बेटे बात करोगे सेकंड रूल की या लूप रूल की, वी विल से दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल, जितने भी उस लूप में बेटे द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स, किसी भी आपने लूप को बेटा चूज किया. यस बेटे बच्चे लेट आ रहे हैं अभी भी. अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ बेटे, along any closed path, आपने कोई closed path, कोई loop लिया, उस loop में algebraic sum of all the potential drops v, जो कि आपका i और r का product भी आप कह देते हो बेटा, in network बेटे जो है path in network is बेटा zero. जरा स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है. इस छोटी सी स्टेटमेंट में उन्होंने बेटा काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लब करके आपको कह दी है. आइए एक बार फिर से देखें. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, बेटे जब टर्म पोटेंशियल ड्रॉप यूज की जाती है इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है, आप बेटे वी के बारे में बात कर रहे हो जो आपका करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच इसके प्रोडक्ट के बेटा बराबर है, इक्वल है. और जब आप बेटे ईएमएफ्स की बात कर रहे हो तो ये डायरेक्टली आपका कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ आपने उस पार्ट ऑफ द सर्किट में अटैच कर रखा है. नाउ इट इज गिवन टू यू दैट बेटा किसी भी क्लोज्ड पार्ट ऑफ द सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड लूप में जो कि आप खुद चूज करने वाले हो, उस लूप में पोटेंशियल ड्रॉप्स का और ईएमएफ्स का जो अलजेब्रिक सम है ये बेटे हमेशा फिक्स रहेगा. अगर मैं इस चीज को बेटा मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दूं तो आई विल से दैट कि मान लीजिए v1 v2 v3 पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं किसी पर्टिकुलर लूप के अलोंग या अंदर और ईएमएफ उस लूप में e है तो इनका सम जीरो है. व्हाई आई हैव पुट इट इन द ब्रैकेट बिकॉज आई डोंट नो दैट कि मैंने इसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जस्ट नाउ बेटा कि किस ईएमएफ को आप पॉजिटिव ले रहे हो, किस ईएमएफ को आप बेटे नेगेटिव ले रहे हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगेन आई विल बी बेटे फोकसिंग इन दिस केस. पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए पाथ, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है. पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द direction of current flow बेटा, जिस direction में current आपका flow हो रहा है उसके along आप बेटे potential की fall consider करते हो, और जिस direction में आपका current नहीं flow हो रहा opposite ले लोगे उधर आपका potential rise करेगा. और आप ऐसे भी कह सकते हैं potential rises in a direction opposite to the current flow बेटा. तो जिस direction में current flow किया उस direction में आपने potential आपका fall किया, जिस direction में current आपका जो है बेटा नहीं flow कर रहा उस direction में बेटे आपका जो है ये rise करेगा. और in this case बेटा जो पोटेंशियल फॉल है इट इज टेकन एज नेगेटिव. ये बड़ा की पॉइंट यहां पे हो जाता है कि पोटेंशियल फॉल जो है वी विल टेक इट एज नेगेटिव. इसका बच्चों डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इस तरफ आपका करंट जा रहा है
इस डायरेक्शन में ये करंट जब आप काउंट करोगे, आप इस करंट के अलोंग जब जा रहे होंगे, आप इस करंट को नेगेटिव लेंगे, राइट बेटे? आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो किसी लूप में, देन बेटे आपका जो राइज ऑफ द पोटेंशियल है इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। दिस इज एन अदर की पॉइंट बेटा। फिर से बेटे देखिएगा, किसी लूप के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर, आप जब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल कर रहा है, फॉल ऑफ द पोटेंशियल हम नेगेटिव लेते हैं, इसका मतलब है कि करंट के फ्लो को नेगेटिव लेंगे। क्यों? बिकॉज आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई इन टू आर। अब आर तो नेगेटिव होना नहीं है, इट मीन्स कि आपका आई ही नेगेटिव होगा, और अगर आई नेगेटिव होगा तो वी विल टेक दिस करंट एज बेटा नेगेटिव। दिस इज द की पॉइंट बेटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बेटे उन्होंने ये भी आपको कहा है कि अगर राइज की बात करें तो राइज आपका जो है दैट विल बी टेकन एज बेटा पॉजिटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल से आप पॉजिटिव टर्मिनल, आपको बैटरी का दिया गया है या सेल का दिया गया है, टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी आप मूव कर रहे हो। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और द सेल, बाहर से नहीं, जब आप सेल के अंदर से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, ईएमएफ जो है इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। और जब आप सेल के अंदर से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, ईएमएफ विल बी टेकन एज इट अ पॉजिटिव। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम बेटे अपने लूप्स का डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो बिफोर ड्रॉइंग एनी पर्टिकुलर लूप बेटा, लेट मी कंक्लूड और रिकैप्चुलेट द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन बेटा। एक बार थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, आप किसी लूप में मूव कर रहे हो, आप करंट की डायरेक्शन की फ्लो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर आप लूप में जाते जाते करंट के फ्लो के अपोजिट जा रहे हो, आप उसको पॉजिटिव ले लोगे। और साथ ही साथ अगर आपको सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया गया है किसी पार्ट ऑफ द सर्किट में, तो आप सोर्स ऑफ द ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थ्रू द सेल जा रहे हो, तो ईएमएफ नेगेटिव, अदरवाइज इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब आइए ये सारे आइडियाज को बेटा अप्लाई करें और देखें हम बेटे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको बेटा। ये बेटे फैन ऑन कर देना। सो आइए बेटे एक लूप ड्रॉ करके देखें, नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स ड्रॉ करके देखें, और देखें कि कैसे हमारा सेटअप जो है ये बनेगा। इमेजिन कर लीजिएगा, आपको एक बेटे ये नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर, ये चीज दी गई है आपको। यहाँ पे एक इस ब्रांच में सेल भी दिया गया है, ये आपका थर्ड रेजिस्टर, यहाँ पे आपको एक बेटे सेल दिया है उन्होंने, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने है, एंड मिडल पार्ट, मिडल ब्रांच, इट इज स्टिल हैविंग अनदर रेजिस्टर कनेक्टेड एज सच, एंड द लास्ट फोर्थ पार्ट is enclosing or being enclosed by one particular resistor as such. Outer circuit आपका जो है इसमें आपने एक ये बेटा resistor लगा रखा है, और यहाँ पे still आपको an other source of EMF जो है बेटा एक cell की form में दिया गया है, और आपने सारा network कुछ इस तरीके से arrange कर दिया। आप इसका कुछ नाम रख लीजिए बेटे, ए बी सी डी कुछ रख लो इसका नाम, लेट इट बी ए बी सी एंड डी, और ऑब्वियसली बेटे ये आपका पार्ट, आपका जो बाहर वाला है ई एफ आप लिख सकते हो। इसमें आप रेजिस्टर्स आर वन आर टू आर थ्री आर फोर लिख लीजिए, आर वन आर टू
R3 एंड R4 एंड लेट इट बी R5, मिडल वाला आपका फिफ्थ रजिस्टर आपने मान लिया, और ये वाला आपका जो बाहर वाला है EMF E1 और अंदर जो आपके EMF है लेट इट बी E2 एंड विद द आउटर रजिस्टर टू बी इक्वल टू बेटे R6। यहाँ पे हमने इमेजिन किया I6 करंट आपका इस रजिस्टर में से फ्लो हो रहा है, लेट इट बी I6। मैं ऐसे ही नंबरिंग कर रहा हूँ बेटा, और जो आपका फर्स्ट रजिस्टर में से जा रहा है लेट इट बी I1 बेटा, और जो आपका सेकंड रजिस्टर में से करंट जा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी ऑफ दिस, मैंने इसको I2 कह दिया, ऐसे ही I2 कह दिया, अगर जब कैलकुलेट करेंगे अपने आप नेगेटिव या पॉजिटिव ये आ जाएगा। और डियर चिल्ड्रन लेट अस से दैट दिस इज योर I3। अब I2 और I3 यहाँ पे मिल रहे हैं और ये दोनों आपको मिलकर I4 दे देंगे, आपने इसको I4 कह दिया जब आप जंक्शन रूल अप्लाई करोगे। और आपका जो थर्ड रजिस्टर है इसमें से जो करंट का पैसेज है आपने इसको I3 कहा, I3 एंड I4 यहाँ पे मीट कर रहे हैं, आपको I6 दे देंगे, दैट विल बी ट्रेवलिंग इन द आउटर ब्रांच ऑफ द सर्किट बेटा। लूप नंबर 1 मैं बोल देता हूं बेटा इस पार्ट ऑफ द सर्किट को, और आइए हम इसमें बेटे अपना लूप रूल अप्लाई करके देखें। व्हेन वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज सेंस बेटा, आपने ए बी सी लूप कंसीडर किया बेटा, लूप इज ए बी सी क्लोज लूप, आप इसको लूप नंबर 1 भी कह रहे हो, एक ही बात है। आप ए पॉइंट से स्टार्ट हो जाइए बेटा, ए पॉइंट से जब आप जाएंगे इधर, बिकॉज आपकी करंट की डायरेक्शन है, यहां आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, I1 विल बी टेकन एज नेगेटिव, I1 R1 नेगेटिव, I3 R, ये I5 होना चाहिए था, I5 R5 नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हो इन द सेल, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और यहां पे आपका ये वाला जो है ये भी पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आइए बेटे मैं इसको एक बार लिख देता हूं, ए पॉइंट से आप स्टार्ट हुए, माइनस I1 R1 फॉल ऑफ द पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज नेगेटिव, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन एज नेगेटिव। बी से सी की तरफ इट इज अगेन माइनस बेटे I5 एंड R5 उत्तर, सी से ए की तरफ आते हुए पहले आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को जा रहे हो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, आपके सेल का EMF जो है अकॉर्डिंग टू अजम्पशन टेकन एज पॉजिटिव। अब आप यहां से आगे जा रहे हो, आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो आपका I2 एंड R2 विल बी पॉजिटिव, इट इज टेकन टू बी इक्वल टू 0, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली रीचेंज करके अमेंड करके लिख सकते हो, माइनस I1 R1 I5 R5 प्लस I2 R2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। आर वाली टर्म्स मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी सारी और कुछ भी नहीं बेटा, हम जनरली इनको दूसरी साइड पे भी शिफ्ट करके लिख दिया करते हैं, दो दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। एक लूप आपका कंप्लीट हो गया, अब आप ये वाले लूप की बात कर लीजिए, लूप नंबर 2 आप अगेन बी पॉइंट से स्टार्ट हो जाइए बेटे, अंकिता गुप्ता लिखवाओगे, बोलिए फिर गेन, बी से डी तक आ गए, डी से आप सी तक आ गए, सी से लेकर बी तक आ गए हो, एक मिनट बेटे मुझे लिखने दीजिए, लूप बी सी एंड बी डी सी सॉरी लिखवाइए जी बेटा, प्लस, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटे, बी से स्टार्ट कर रहे हो आप तो यहां से स्टार्ट कर लीजिए, तो इट विल बी माइनस I3 R3, डी से जब आप आओगे सी की तरफ प्लस, बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल ठीक, एंड देन प्लस I5 एंड R5, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर वाला लूप जो है बेटा आप इस लूप में
यहां से इसको मैं लूप नंबर तीन बोल देता हूं, यहां से स्टार्ट हो जाइए, ऐसे 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 करते वापस आ जाइए और लेट अस सी हमारा इक्वेशन कैसा हो जाता है। नाम आपने लूप का लूप नंबर थ्री रखा है, तो इधर ध्रुव, देन बेटे गुंजोत, पवन, सिया, वंशिका, भव्या, ध्रुव, मानविया, रोहन, सुप्रिया। डियर चिल्ड्रन, एनी वन फ्रॉम योर साइड इफ यू कैन गेट मी हैव दिस रिटन ओवर हियर। ध्रुव बेटा, ओके चलिए बेटे लिखते हैं फिर, यहां से स्टार्ट हो जाए ए पॉइंट से। इट विल बी माइनस आई टू एंड आर टू, ठीक है जी। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, इट विल टेकन एज नेगेटिव माइनस ई टू। देन यहां आप अगेन करंट की डायरेक्शन में हो, माइनस आई फोर आर फोर। यहां अगेन आपने नेगेटिव टर्मिनल पहले इनकाउंटर किया, प्लस ई वन। अगेन आप करंट की डायरेक्शन में है, आई सिक्स आर सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज बेटे आपके पास आपको मिल जाती है। सो अगेन बेटे अगर हम देखें आई सिक्स आर सिक्स आपका जो है, और ये वोल्टेजेस जो हैं इनको आप एक तरफ एडजस्ट कर लो, अगर इट विल बी माइनस आई टू एंड आर टू, माइनस आई फोर एंड आर फोर, माइनस आई सिक्स एंड आर सिक्स, एंड इनको मैं उधर ही ले जाता हूँ बेटा, इट विल बी यूर देन ई टू माइनस ई वन। आप इस तरीके से ये अपना एक्सप्रेशन जो है इसको लिख सकते हो, राइट बेटा। अब इस पे बेसिक छोटा सा हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। किसी भी स्टूडेंट को बेटे यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए बेटा। एनी वन हैविंग एनी पॉइंट अप टू दिस डिस्कशन बेटा, अदरवाइज फिर एक न्यूमेरिकल करके देखें जी, राइट। आइए बेटे कंसंट्रेट करें, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपके लूप रूल पे बेस्ड है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ लूप रूल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में आया करते हैं। लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू बेटा। आपको दिया गया है बेटा, ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन द फिगर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम बेटा। आपको एक नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स बेटे दे रखा है, लेट मी ड्रॉ दैट नेटवर्क। एक सेल है, देन इस सेल के साथ रिलेटेड यू आर गिवन एन अदर सेल बट पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, ऐसे सेल दिया गया है, और इन दो सेल्स के साथ आपका एक रेजिस्टर इस ब्रांच में दिया गया है, ऐसे ये रेजिस्टर आपको दे दिया गया है जी यहाँ पे, और आपको एक आउटर ब्रांच में भी इस तरीके से रेजिस्टर दिया गया है और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, राइट बेटे। अब आपको उन्होंने कहा क्या है बेटा, ईच ऑफ द रेजिस्टर्स शोन इन द डायग्राम हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड ईच ऑफ द बैटरीज हैज ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट बेटा। इसकी बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है, इसकी बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। लेट अस चेक आपको करना क्या है, यू आर टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स ए एंड बी। एक का नाम उन्होंने ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया, दोनों में से करंट आपको निकालना है। तो आइए वन बाई वन इसको बेटे अप्लाई करके देखें। आप अपने इस सर्किट को बेटा कुछ नाम दे दीजिए, लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ एंड लेट इट बी बेटा जी। अब सबसे पहला काम हमारा होता है कि करंट को मार्क कर लें, कौन कौन सी डायरेक्शंस में करंट आपके जा रहे हैं बेटा, और ये बेटे बैटरी मैंने उल्टी बना दी है, लेट मी इसको ठीक कर दूं, जरा ऐसे था बेटा, आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा बैटरी का साइन। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे करंट आपका निकला आई वन। पहला सेल है, पहली बैटरी है, हमने आई वन बोल दिया, इसका मतलब है आई वन आपका इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है। दूसरा सेल, दूसरी बैटरी, दूसरा सोर्स ऑफ ईएमएफ आपका करंट आई टू,
इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे मिल गए बी पॉइंट पे जंक्शन रूल के अकॉर्डिंगली, और आपको ये टोटल करंट दे रहे हैं आई वन प्लस देखिए आई टू इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रांच। ये आपका टोटल करंट इधर फ्लो कर गया, इसमें से आई वन अगेन इधर चला गया एंड आई टू करंट आपका इस तरफ आ रहा है और आई टू आपका इधर फ्लो होकर अगेन इस ब्रांच में कंप्लीटली चला गया बेटा। अब आप आ जाइए देखें बेटा, आपका जो पहला लूप है ये लूप नंबर वन, इसको अगर बोल दिया जाए, इस लूप में अगर हम लूप रूल अप्लाई कर लें राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए अप टू द पॉइंट एफ ए बी जी एफ, तो ये आपके पास बेटे देखिए सीधा ही आ जाएगा, इस ब्रांच में आपका ईएमएफ जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव आप जा रहे हो, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव 10 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, आप करंट की डायरेक्शन में है, माइनस बेटा आपके पास आ गया जी 10 इंटू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो बेटा, राइट। यहाँ आप कह लीजिए 10 इज इक्वल टू 10 आई वन प्लस आई टू बेटे, 10 से 10 आपका कैंसिल आउट भी हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू इट मस्ट बी इक्वल टू बेटे जीरो, और सेकेंड पार्ट ऑफ द आपका जीरो नहीं वन होगा बेटे, इट इज वन नॉट जीरो, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर बेटे वन। अब आप बेटे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किट है इसमें देख लीजिएगा, आपके पास बेटे जो करंट्स हैं अगर हम कंसिडर करें बेटे, लूप आपका जो है ए ए वाला पार्ट आपने कर लिया, सेकंड वाला लूप आप उठा लीजिए, यहां से चल पड़े फिर लेट अस से दैट दिस इज अवर लूप नंबर टू, आप यहां से चल पड़िए और इस तरीके से मूव करके वापस यहीं पे आ जाइए। जब आप यहां से स्टार्ट होंगे मूव करना तो 10 है आपका और 10 ओम का ही आपका रेजिस्टर है, आप इसके अपोजिट जा रहे हो, 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, इट विल बी टेकन एज माइनस 10 बेटा, देन आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हो, इट विल बी योर लेट मी रीड आई बेटे, एफ पॉइंट से आप स्टार्ट हुए, आपका करंट आई वन प्लस आई टू है और आप करंट के अपोजिट जा रहे हो बेटा, इट विल बी 10 इंटू आई वन प्लस आई टू, राइट जी, ये आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चले गए, आप लोगे इसको नेगेटिव ऑफ द 10 एंड जब आप यहां आ रहे हो आप अगेन इस करंट के अपोजिट हो, देन इट विल बी नाउ योर प्लस 10 आई टू, दिस इज इक्वल टू बेटा जीरो, रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को, आप अपनी जो है 10 आई वन प्लस आई टू दिस इज एन अदर 10 आई टू, तो इसको इधर ही एडजस्ट कर देता हूं मैं, इट विल बी 2 आई टू हो जाएगा फिर, दिस इज इक्वल टू 10 गेटिंग कैंसल्ड, आई वन प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू 1, आप इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे सिंपली, आपका I1 plus I2 is equal to 1 था, I1 plus 2 I2 is equal to 1 है, आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका खत्म हो गया, माइनस I2 is equal to 0, I2 must be equal to 0, पुट कर दीजिए, I1 must be equal to 1, एंड फिर चेक करिएगा जरा यही आ रहा बेटा, आपका I2 0 और I1 1 एंपियर चेक कर लीजिए आ रहा है बेटे, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मैं लिख देता हूं, आप कोशिश कर लीजिएगा, मिलता जुलता है काफी, उससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी बेटा किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करने में। आइए देखें हमारा जो सेकंड सर्किट का सेटअप है उसमें हम कैसे कर सकते हैं, इट इज जस्ट अनदर एग्जांपल बेटा, मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एक उन्होंने ये बेटा सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया हुआ है, एक सेल दिया हुआ है, और डियर चिल्ड्रन आपको एक और यहाँ पे ये रजिस्टर दिया गया है जी, और बच्चों आपको एक और यहाँ पे ये रजिस्टर दिया गया है इन दिस मैनर,
still we have another resistor over here beta, और यहाँ पे आपको बेटे एक और सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब सेल दे दिया गया है, और जैसे उन्होंने आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे ही दिया है, हर एक पार्ट आपका जो सर्किट का है ये 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है बेटा, और साथ ही साथ आपका ये 10 वोल्ट इनका आपका जो है ईएमएफ आपको दिया गया है। सो आपको खुद ही करंट्स मार्क करने पड़ेंगे और खुद ही बेटे आप इस केस में अपना जो है ये सारे का सारा सेटअप भी करोगे। पहला सेल है, इससे करंट निकला आपका आई वन, मैंने आई वन कह दिया इसको जी, इट विल मीन दैट कि आई वन करंट आपका ऐसे जा रहा है। सेल नंबर टू, इससे करंट निकला, मैंने आई टू बोल दिया, इट मींस आई टू आपका इस तरीके से सर्किट की इस ब्रांच में जा रहा है बेटा। अब इसके बाद में बात आ जाती है आपका आई थ्री किधर हो जाना चाहिए बेटा। आई वन के आगे दो ब्रांचेस हैं, इसको मैंने आई थ्री कह दिया, इसको आई फोर कह दिया, यहाँ पे आई फोर इधर चला गया, आई थ्री इधर, आई थ्री और आई टू मिल गए, इन दोनों ने मिलके आपको बेटे करंट दे दिया आई टू प्लस आई थ्री बेटा। आई टू प्लस आई थ्री ये ब्रांच इधर चली गई, इसमें से आई टू इधर आ गया, आई थ्री इट इज कमिंग टू दिस साइड, आई फोर आपका किसके बराबर आएगा, आई वन माइनस आई थ्री के, इसको आप आई वन माइनस आई थ्री भी लिख सकते हो, राइट बेटे, एक ही बात है। तो आई वन माइनस आई थ्री में जब आई थ्री आके यहाँ मिलेगा अपने आप आपका आई वन बेटे हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप इसको बेटे सॉल्व कर पाओगे। आपको अगेन यहाँ पे बेटे आई वन निकालना है, आपको आई टू निकालना है, और आपको बेटे आई थ्री भी निकालना है। तरीका बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं, तीन लूप्स आप बना लोगे और अपना लूप रूल अप्लाई कर दोगे, जंक्शन रूल आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, और मुश्किल बात इसमें कुछ भी नहीं बेटे, राइट बेटे, मैं यही एक्सपेक्ट की हो जाएगा बेटा कंप्लीट। लगा के देख लीजिए बेटे आधा मिनट, इससे इक्वेशंस लिख के देख लीजिए क्या बनती है आपकी, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आई टू आपका बेटा आई वन आई टू आई थ्री, और ये ब्रांच में आपका करंट आई वन माइनस आई थ्री था, जिसको आपने शुरू में आई फोर भी बोला था। लेट मी राइट द आंसर्स फॉर यू बेटा। आई थ्री जीरो, आई टू वन, आई थ्री जीरो एम्पियर, आई टू आपका वन एम्पियर, एंड आई वन लेट मी फाइंड इट आउट बेटा, इन दिस वे बेटे आप निकाल सकती हो इन करंट्स को बेटा, वेरीफाई कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू बेटे।